gives free energy. On the recommendation of IUPAC, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट दिया था, इसमें से फ्री शब्द हटा दिया गया था और इसको लिखा गया था सिर्फ गिब्स एनर्जी. इट्स डिनोटेड बाय जी एंड इट्स डिफाइंड एज द एनर्जी अवेलेबल विद द सिस्टम इन ऑर्डर टू डू यूजफुल वर्क. कोई से भी सिस्टम के पास यूजफुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल है, उपलब्ध है, वह एनर्जी होती है गिब्स एनर्जी. इट्स एक्सप्रेस्ड एज एच माइनस पी एस. जी इज द ग्रॉस एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम. एच इज ग्रॉस एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, दैट इज एंथैल्पी. एच एंथैल्पी है जिसे हम कहते हैं ग्रॉस एनर्जी कंटेंट. टोटल एनर्जी कंटेंट सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी है, सारी तरह की एनर्जी मिला दी जाए तो एंथैल्पी होती है. मगर सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी है, उस पूरी एनर्जी से सिस्टम कभी भी वर्क नहीं करता. सिस्टम कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि अपनी सारी एनर्जी गवा दे और उससे कोई यूजफुल काम करे. ऐसा नहीं होता. हम कहते हैं जब भी कोई सिस्टम कोई वर्क करता है तो कभी भी अपनी आजादी की कीमत पे नहीं करता. कोई सा भी सिस्टम अपनी आजादी को कम करके कोई काम नहीं करना चाहेगा. सिस्टम काम तब तक ही करेगा जब तक कि उसकी आजादी बनी रहे. आजादी मीन्स एंट्रोपी. एंट्रोपी एस मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ रैंडमनेस. कोई सा भी सिस्टम अपनी फ्रीडम, अपनी रैंडमनेस, उसकी कीमत पर उसको कम करके कभी भी यूजफुल वर्क नहीं करता. सिस्टम अपनी फ्रीडम को बनाए रखने के लिए एक मिनिमम एनर्जी हमेशा अपने पास में रिटेन करके रखेगा. और एस एंट्रोपी बनाए रखने के लिए सिस्टम के पास जो एनर्जी होना चाहिए, दैट इज टी इंटू एस. तो टी इंटू एस एक ऐसी एनर्जी है जो कोई सा भी सिस्टम कभी भी गवाएगा नहीं. इस एनर्जी को सिस्टम हमेशा अपने पास रखेगा. तो फिर कितनी एनर्जी सिस्टम गवा सकता है, कितनी एनर्जी वो बाहर रिलीज कर सकता है, कितनी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है? टोटल एनर्जी माइनस द एनर्जी दैट द सिस्टम वुड ऑलवेज रिटेन विथ. दिस इज द एनर्जी अवेलेबल विद द सिस्टम टू डू एनी यूजफुल वर्क, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं. गिब्स एनर्जी कहते हैं एच माइनस टी एस. Although it's impossible to determine the absolute value of Gibbs energy. Gibbs energy की absolute value determine कर पाना impossible है. मैं छोटे से मैं बता रहा हूं क्योंकि thermochemistry वाली कहानी है, इसलिए बहुत elaborate में बताने की बजाय सीधा सीधा expression बताते जा. हम कहते हैं change in Gibbs energy determine की जा सकती है. The maximum work that could be done by any system is change in Gibbs free energy. कोई सा भी सिस्टम जो मैक्सिमम वर्क करता है, that is change in Gibbs free energy. And that change in Gibbs free energy is expressed as H minus T delta S. This is maximum work done during any process. किसी भी process के दौरान maximum इतना work हो सकता है delta G. Thermochemistry में हमने ऐसी सीख रखा है. अब हम इस concept को galvanic cell के लिए जरा सोचते हैं. जब भी कोई charge मूव करता है तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन व्हेनेवर चार्ज मूव, वर्क डन ऑन
moving the charge. Is Q into V? इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट है. अब V is potential difference. V is potential difference. हम देखें जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ ऑफ सेल. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ ऑफ सेल. और जब यह रिएक्शन होगी, जब एक मोल जिंक ऑक्सीडाइज होएगा, एक मोल कॉपर आयन रिड्यूस होएगा, तो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड तक कितना चार्ज फ्लो करेगा. इफ एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एक मोल इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होते हैं तो कितना चार्ज फ्लो करता है, 1 फैराडे. ये कंसेप्ट हमने पहले सीख लिया है. एक मोल जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो जो चार्ज फ्लो करेगा दैट इज 1 फैराडे. और एन मोल्स जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे देन द चार्ज दैट वुड फ्लो इन द सर्किट इज वर्क डन. इधर में माइनस जी लिखना है मुझको. अब हम देखें व्हाट इज वर्क डन. बाय द गैल्वेनिक सेल, इस गैल्वेनिक सेल ने जो भी कुछ एक्सटर्नल सर्किट रहा इसमें कितना वर्क करा. यदि इधर कोई वायर लगा हुआ, इधर कोई बल्ब लगा हुआ है और यह बल्ब ग्लो कर रहा है, द वर्क डन इज चार्ज एनएफ इनटू ई ऑफ सेल एंड डेल्टा जी इज माइनस ऑफ वर्क डन. द माइनस ऑफ मैक्सिमम वर्क डन इट्स माइनस एन एफ ई ऑफ सेल. दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. Of any galvanic cell, or this is work done or maximum work done by any galvanic cell. While if the cell is kept at standard condition, we used to say delta G naught is minus NF E naught of cell. This is change in Gibbs free energy of any galvanic cell. Up. Nernst equation हमने जो लिख रखी थी उसे दोबारा recall करते.
लास्ट इक्वेशन हमने यहां लिखी थी, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाय एन एफ लॉन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेफिनेशन, जिसको हम रिएक्शन कोशेंट क्यू लिख देते। क्यू इज जो भी रिएक्शन हो रही है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेफिनेशन से लिखा जाएगा। जो कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा डैनियल सेल की बात करें, जो भी सेल है उसमें जो भी रिएक्शन हो रही है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेफिनेशन होगा। दिस लास्ट इक्वेशन, मैं एनएफ को मल्टीप्लाई कर देता हूं थ्रू आउट इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में थ्रू आउट एनएफ को मल्टीप्लाई कर देता हूं, एनएफ ई ऑफ सेल इज इक्वल टू एनएफ ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी लॉन क्यू। एनएफ ई ऑफ सेल की जगह मैं लिखूंगा माइनस ऑफ डेल्टा जी। एनएफ ई नॉट की जगह माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट और इधर माइनस आर टी लॉन क्यू। माइनस साइन थ्रू आउट काट दूं तो मुझे डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में एक रिलेशनशिप दिखने लगता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू। अब थर्मोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट को हम रिकॉल करते हैं और इधर चीजों को पूरा गोल घूम घूम कर चीज आएगी, एक ही कंसेप्ट हम तरह तरह से कंक्लूड कर देंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में हमने यह बात लिखी थी थर्ड लॉ लिखते समय, डेल्टा जी की वैल्यू यदि नेगेटिव है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पहले मैं कंडीशन लिखता हूं फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। क्योंकि रिकॉल करें डेल्टा जी को हमने वहां एक और तरीके से लिखा था, डेल्टा जी इज माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल। ये जो डेल्टा जी है इसको एक और तरीके से लिखा था, माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल मींस टोटल चेंज इन एंट्रोपी। तो जो बेसिक लॉजिक था वो यह था कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज एवर इंक्रीजिंग, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज एवर इंक्रीजिंग, तो डेल्टा एस टोटल किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एंट्रोपी इंक्रीज होना चाहिए, फ्रीडम इंक्रीज होना चाहिए। और ऐसा इसलिए बिकॉज यूनिवर्स इज एवर एक्सपांडिंग, बिग बैंग चल रहा है, यूनिवर्स फैल रहा है, उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है, इसलिए यूनिवर्स में हर वह प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है जिसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। और डेल्टा एस टोटल यदि पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी डेफिनेटली नेगेटिव होगा, क्योंकि टी हमेशा पॉजिटिव होता है, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, डेल्टा जी इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ये भी हमने वहां पर लिखा हुआ है। कैसे आया है वहीं पर डिस्कस, इधर से आता है।
और डेल्टा जी यदि नेगेटिव हुआ तो इधर डेल्टा जी नेगेटिव तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव। और ये बात अभी अभी हमने लिख दी, पहले लिख दी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन में जब ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो यह जो Q है इसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आएगी। इस Q की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आएगी एंड हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन वुड ऑकर इन द गैल्वेनिक सेल। ये बात मैं पहले ही लिख चुका हूं मगर अब इस बात को मैंने दोबारा कंक्लूड करा थर्मोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट से। ऑल्दो इस बात को मैं पहले ही लिख चुका हूं, दोबारा कंक्लूड कर रहा हूं थर्मोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट। और फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर एनी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम कहते हैं कोई सा भी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस तब होता है जब उस प्रोसेस के दौरान टोटल एंट्रोपी डिक्रीज हो रही हो। टोटल एंट्रोपी डिक्रीज हो रही हो वह प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। डेल्टा एस टोटल यदि नेगेटिव हो जाए, चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी यदि नेगेटिव हो जाए, हम कहते हैं कोई सा भी सिस्टम अपनी आजादी कम नहीं करना चाहता। जैसे हम आपकी बात करें, आप सभी 12th स्टैंडर्ड में आ चुके, क्या आप सभी 5th स्टैंडर्ड में जाना पसंद करेंगे? क्या 5th स्टैंडर्ड में आप ट्रांसफर लेना चाहेंगे? कभी नहीं। हम कहते हैं भाई 5th स्टैंडर्ड में हमारी रैंडमनेस, हमारी आजादी काफी कम होती थी, अब 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, हमारी आजादी बढ़ चुकी है, हम दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे कि फिर वापस हमारी लिबर्टी कम हो जाए। हम सबकी इच्छा है कि अभी 12th में है, कॉलेज में चले जाए, खूब खेलें, मस्ती करें, मौज करें, हम अपनी आजादी बढ़ाना चाहते हैं ना कि कम करना चाहते। यदि किसी प्रोसेस के दौरान आजादी कम हो रही हो, फ्रीडम कम हो रही हो, एंट्रोपी कम हो रही हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और यदि डेल्टा एस टोटल नेगेटिव हुआ तो यह नेगेटिव, इधर माइनस साइन, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और डेल्टा जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव हुई तो ईएमएफ ऑफ सेल नेगेटिव दिखने लगेगा, ईएमएफ ऑफ सेल नेगेटिव दिखने लगेगा। और ईएमएफ ऑफ सेल यदि नेगेटिव दिखा तो हम जब Q की वैल्यू देंगे तो वह ग्रेटर देन के आएगा, ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। दिस केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस केस में हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन वुड ऑकर इन द गैल्वेनिक सेल। इस सिचुएशन में गैल्वेनिक सेल में बैकवर्ड रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी।
तीसरी कंडीशन बताता हूं, डेल्टा एस टोटल इज जीरो, यदि डेल्टा एस टोटल जीरो हो जाए तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी, और डेल्टा जी की वैल्यू यदि जीरो हुई तो ईएमएफ ऑफ सेल जीरो हो जाएगा, और ईएमएफ ऑफ सेल यदि जीरो हो गया तो यह जो Q की वैल्यू है यह इक्वल टू Q हो जाएगी, दैट वुड बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वहां डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। और इस केस में हम इधर भी डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग लॉन के लिख देंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉन के, क्यू की जगह के हो जाएगा, यर के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और नेक्स्ट इक्वेशन में भी हम लिख देंगे ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाय एन एफ लॉन के। हम यह सारी बात इक्विलिब्रियम कंडीशन पर लिख सकते हैं। और इधर से हम डेल्टा जी की जगह जीरो और डेल्टा ई की जगह भी जीरो, और इधर से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल हियर। आप जरा सोचिए, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने ढेर सारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन पढ़ी है और उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू देखिए, हम वहां पर सिर्फ बता देते थे कि इस एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यह है, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज दिस, एसिटिक एसिड हैव गॉट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 1.8 × 10⁻⁵, HCN हैव गॉट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 10⁻⁹ इन द रेंज ऑफ, हमने ढेर सारे एसिड बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखे थे, हमने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यूज लिखी थी, हमने वहां पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यूज लिखी थी। वो डिसोसिएशन की कांस्टेंट की वैल्यूज कहां से आई, कैसे आई, कैसे डिटरमाइन हुई, उन डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू, उन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ही डिटरमाइन करने का तरीका अब हमने देख लिया है। यह देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इस एक्सप्रेशन को लगाकर अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं। फ्रॉम हियर डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी लॉन के, और लॉन के इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा जी नॉट बाय आर टी, और के इज इक्वल टू
e to the power minus of delta g naught upon rt. I may write equilibrium constant in this manner, or I may write either say delta g naught equal to minus 2.303 rt log k, or log k is equal to minus of delta g naught upon 2.303 rt, or k is equal to 10 to the power minus of delta g naught by 2.303 rt. I may write equilibrium constant in this manner as well. It depends on situation कि मुझे equilibrium constant की value e की power के terms में चाहिए, 10 की power के terms में चाहिए. Generally इस concept को apply करेंगे. मैं equilibrium constant की value second equation से भी लिख सकता हूं. ये जो second equation लिखी है, इधर से मैं कहूंगा E of cell is equal to RT by NF ln K, or ln K is equal to NF E of cell by RT. And from here, k is equal to e to the power nf e of cell by rt. I may express equilibrium constant in this manner. वो तो सिंपल सी बात है, डेल्टा जी नॉट की जगह nf e नॉट लिख दिया है बस. डेल्टा जी नॉट की जगह माइनस nf e नॉट लिख दिया. यह चीज दिखने लगेगी. या फिर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरह से भी लिख सकता हूं, 10 टू द पावर इधर डेल्टा जी नॉट की जगह माइनस एन एफ ई नॉट लिख दूंगा, तो एन एफ ई नॉट ऑफ सेल अपॉन 2.303 आरटी. These are the values of equilibrium constant. Once again, ये कोई मैं डैनियल सेल का कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं, इट्स अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट फॉर एनी गैल्वेनिक सेल. मैं अभी तक जितने भी कंसेप्ट बताया है इन सबको एक बार रिकॉल कराता हूं, एक प्रॉब्लम देकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूंगा, और फिर मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा और सारे सारे कंसेप्ट एक साथ समअप हो जाएंगे. आज के दिन जो मैं तीसरी शीट दूंगा, वंस अगेन गैल्वेनिक सेल पर वह बेसिक शीट है, पहले उस बेसिक शीट को आप करेंगे और उसके बाद कल के दिन मैं इसकी एडवांस लेवल की शीट दूंगा. यहां तक नोट डाउन कीजिए, मैं एक प्रॉब्लम दूंगा.